विधायक जी बनी थी कल्पना वर्मा जी, उन्होंने जीतने के बाद क्षेत्र को एकदम छोड़ दिया था, इस कारण से जनता आक्रोशित है। कोई बगावत नहीं हुई, आप एक बगावत बता दीजिए जो बीजेपी में टिकट घोषित होने के बाद हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा घोषणा होने के बाद सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। सतना जिले के रैगांव विधानसभा सीट से प्रतिमा बागरी पर फिर बीजेपी ने दांव खेला है। हमारे साथ प्रतिमा बागरी हैं और यहां से कांग्रेस से प्रत्याशी हैं कल्पना वर्मा। हम प्रतिमा जी से जानेंगे कि कितनी चुनौती मानती हैं आप अपने विधायक से। देखिए, अगर आप चुनौती के लिए बात करते हैं तो सब अपने अपने स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन विधायक जी जो है विधायक बनने के बाद ना किसी का फोन उठाती हैं, ना उन्होंने किसी जनता की कोई काम को किया है, ना उनसे संपर्क में रही हैं। वो चुनाव जीतने के बाद आलोपित हो गई हैं। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मेरे पीछे इतनी सारी महिलाएं खड़ी हैं, ये सभी आपको बता देंगी कि क्या इन्होंने विधायक को अपने देखा है। मैं तो इनके पास निरंतर आती रही हूँ और इनसे मिलती रही हूँ, इनके सुख दुख में सम्मिलित हुई हूँ, एक परिवार के सदस्य के रूप में इनके बीच रही हूँ। लेकिन जो विधायक जी बनी थी कल्पना वर्मा जी, उन्होंने जीतने के बाद क्षेत्र को एकदम छोड़ दिया था, इस कारण से जनता आक्रोशित है और निश्चित तौर पर वह परिवर्तन चाहती है। टिकट घोषणा होने के बाद बीजेपी की जब आपको मिली तो बीजेपी में कई बगावत हुई, कैसे देखती हैं बगावत, कितनी चुनौती रहेगी? कोई बगावत नहीं हुई, आप एक बगावत बता दीजिए जो बीजेपी में टिकट घोषित होने के बाद हुई। मेरी विधानसभा में तो कोई बगावत नहीं हुई। किन मुद्दों के साथ जा रही मतदाताओं के पास आप? मुद्दे वही हैं जो कल्पना वर्मा जी वादे करके गई थी और उन्हें पूरा नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोग जब पिछला उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव के पूर्व हमारे सीएम साहब ने जो घोषणाएं की थी उनको लगभग उन्होंने पूरा किया है। बचे हुए काम हैं कुछ तो उनको करना है और साथ में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स पे अपन को करना है। कोई राष्ट्रीय नेता आपके प्रचार के लिए आने वाला है क्या? संभवतः आगे आएंगे, अमित शाह जी शायद आएंगे। क्या माने, कितने वोटों से आप जीत रही हैं इस बार? अब ये तो जो जीत, देखिए चाहे एक वोट से हो चाहे बहुत सारे वोटों से हो, जीत जीत होती है और लाख पार जनता का समर्थन अपार मिल रहा है और परिणाम ही बताएंगे, आप माताएं ही बताएंगी और हमारी बहनें बताएंगी कि कितने वोटों से हम जीत रहे हैं, पर जीत सुनिश्चित है। प्रतिमा जी, अगर आप जीत जाती हैं तो क्षेत्र में ऐसे चार मुद्दे क्या विकास करेंगी आप, क्या हैं आपके नज़र? देखिए, सबसे पहला मुद्दा है जो विद्युत का, विद्युत स्तर हमको वहाँ सुधारना है, हमारी लाइट की काफ़ी सारी समस्या है। दूसरी पानी की थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, रोडों की है, और स्वास्थ्य और शिक्षा, इसको इसके स्तर को और ऊंचा बढ़ाना है। इन्हीं विषयों पर प्राथमिकता तौर पर मुझे काम करना है। बिल्कुल, एक थी हमारे साथ रैगांव विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रतिमा बागरी जी, उनका दावा है कि हम भारी मतों के साथ विजयी हो रहे हैं। सतना से राकेश पटेल।